आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान खबरें सबसे तेज। देश के कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। मानसून देश भर से विदा हो रहा है, लेकिन जाते जाते कुछ राज्यों में भी आंधी और तूफान और चक्रवात के सामने यहां पर बारिश का क्रम देखा जा रहा है। मध्य भारत और उत्तर भारत में इन दिनों तेज गर्मी पड़ रही है, उमस के कारण लोग बेहाल है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान जताते हुए कहा है कि कुछ राज्यों में अभी भी मूसलाधार बारिश के आसार है। कुछ राज्य ऐसे है जहाँ बारिश का दौर जारी रहेगा, यानी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। वहीं अगले 2-3 दिन तक यहां पर मौसम कैसा रहेगा, इसकी जानकारी मौसम विभाग ने दी है। 3-5 अक्टूबर के दौरान असम, मेघालय और त्रिपुरा में काफी भारी बारिश के साथ यहां पर ओले भी गिर सकते हैं। कई इलाकों में यहां पर बर्फबात भी हो सकता है। अगले 5 दिनों के दौरान द्विपक्षीय भारत के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, नागालैंड और असम, मेघालय में अलग अलग जगहों पर यहां पर बिजली गिरने के साथ साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। वह अगले 12 घंटों के दौरान झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आसार जताए हैं। वही मौसम में ये बदलाव बादलों की वजह से हो रहा है। गुरुवार को भी धूप छाव और आगमचोनी यहाँ पर जारी रही। शाम को यहाँ पर अच्छी बारिश हुई है महाराष्ट्र के अंदर। वही 3-5 अक्टूबर तक अच्छी बारिश का अनुमान यहाँ पर मौसम विभाग ने लगाया है। वही मौसम विभाग के अनुसार उड़ीसा के तटीय इलाकों में लो प्रेशर सक्रिय हो गया है। लो प्रेशर से झारखंड में भी कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। बादलों की आवाजाही और बारिश की वजह से इस हफ्ते तापमान सामान्य बना रहेगा और गर्मी यहां पर थोड़ी कम रहेगी। वही चिकित्सकों का कहना है कि इस दौरान मौसम स्वाभाविक रूप से संक्रमण वायरस से जुड़ी बीमारियों का प्रसार यहाँ होता है। इससे बचाव के लिए अपने घरों में आसपास में स्वच्छता के प्रति सजग रहने और कहीं भी पानी जमाव नहीं होने देना है, ऐसा चिकित्सकों ने कहा है। इसके अलावा यहाँ पर खान पीन और रहन सहन में भी मौसम के अनुसार यहाँ पर बदलाव करना जरूरी हो गया है। नागालैंड में होगी भारी बारिश, 20 अक्टूबर तक मौसम रहेगा खराब। अभी मौसम बदल रहा है, सर्दियों का सीजन आने वाला है। इसी के साथ साथ मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि सर्दी का मौसम आने से पहले बारिश आएगी। वैसे तो कई राज्यों में बारिश हो चुकी है। पूर्व उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर असम में 3री बार बाढ़ आ चुकी है। इसी तरह नागालैंड में भी भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जारी की है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले हफ्ते तक नागालैंड में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार नागालैंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने क्षेत्रीय मौसम विभाग के अंदर गुवाहाटी के साथ समन्वय में कहा है कि बारिश का मौसम 20 अक्टूबर तक यहां पर जारी रहेगा। इससे राज्य सरकार ने पहले ही व्यवस्था करना शुरू कर दिया है। आपको जानकारी के लिए आपको बता दें कि वैसे तो नुकसान भरी बारिश की कोई आशंका नहीं है, लेकिन 6 अक्टूबर से यहां पर बारिश और गरज चमक के साथ हल्की बारिश होना शुरू हो जाएगी। 7 अक्टूबर को मौसम में सुधार होगा, लेकिन उसके बाद 10 अक्टूबर के बीच यहां पर मौसम की गतिविधियां बदलेगी। इसी के साथ ही यहां पर कई इलाकों में तेज और भारी बारिश होने की संभावना यहां पर मौसम विभाग ने जताई है। बात करें झारखंड राज्य की तो झारखंड राज्य में अश्विन मास में आया है सामान्य 98.6 mm बारिश के साथ राज्य में सर्वाधिक बारिश हुई है। रिकॉर्ड मौसम के बदलते मिजाज ने यहां पर अश्विन मास में भी सावन का एहसास करा दिया है। पिछले 24 घंटों के दौरान धनबाद में सर्वाधिक बारिश हुई है। लो प्रेशर के बादलों ने यहां पर गुरुवार शाम को देर रात तक यहां पर लोगों को खूब भिगोया। यहां पर बारिश खूब होती रही शहर में। वही शुक्रवार को जिले में 98.6 mm बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। झारखंड में ये सर्वाधिक है। वही मौसम विभाग ने जो संकेत दिया है इसके अनुसार यहाँ पर शुक्रवार को धूप छाव के बीच यहाँ पर कई जगह पर तेज बारिश हुई है। शनिवार को भी कई इलाकों में बारिश हो सकती है। वही 3-5 अक्टूबर तक पूरे राज्य में झमाझम बारिश का अनुमान यहाँ पर मौसम विभाग ने झारखंड में सताया है। वही मौसम विभाग के अनुसार उड़ीसा के तटीय इलाकों में लो प्रेशर हो गया है। लो प्रेशर से झारखंड में भी कई दिनों तक यहाँ पर बारिश हो सकती है। बादलों की आवाजाही और बारिश की वजह से यहाँ पर तापमान सामान्य बना रहेगा और गर्मी से यहाँ पर फिलहाल इस राज्य से तो थोड़ी दूर ही रहेगी। वहीं धनबाद में आसपास के इलाकों में मौसम की विदाई 12 या उसके आसपास से होने की संभावना है 12 अक्टूबर को। वहीं मानसून जाने के बाद भी अगर समुद्र का तापमान अधिक रहा तो अक्टूबर में चक्रवात आने की संभावना यहां पर बढ़ जाएगी। इस बारे में मौसम एक्सपर्ट डॉक्टर SP यादव ने कहा है कि आमतौर पर अक्टूबर में मानसून के बाद चक्रवात आने का समय होता है, पर यह तभी तय होगा जब समुद्र का तापमान अधिक रहेगा। अगर तापमान में कमी आ गई तो साइक्लोन की परिस्थितियाँ बनने की संभावना फिलहाल कम हो जाएगी।
वहीं मंगलवार तक धनबाद का संभावित जो तापमान है, शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32 रहा, शनिवार को यहां पर अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम यहां पर 23 और ज्यादा से ज्यादा 25 रहेगा। वहीं यहां पर रविवार को अधिकतम तापमान 31 रहेगा और न्यूनतम 23 रहेगा। वहीं सोमवार को अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 24 रहेगा। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश की मौसम की, तो हिमाचल प्रदेश में एक हफ्ते तक मौसम रहेगा साफ। शिमला मौसम विभाग के अंदर के अनुसार 8 अक्टूबर तक यहां पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। झारखंड की राजधानी रांची सहित कई जिलों में बारिश शुरू है। वहीं रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर स्थित मौसम विभाग केंद्र ने कहा है कि अगले 2 घंटों के भीतर यहां पर चादर, रामगढ़ और हजारीबाग जिलों में तेज बारिश हो सकती है। बर्फबात के साथ यहां तेज बारिश की संभावना यहां पर जताई जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने अपने अगले बुलेटिन में भी कहा है कि प्रदेश के कई राज्यों में जिलों में यहां पर बारिश की संभावना इस बार है, इस अगले वाले 2-4 दिनों में है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, नागालैंड, असम और मेघालय और अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने के साथ मध्यम गर्जे के साथ यहां पर छींटे पड़ सकते हैं। अगले 12 घंटों के दौरान झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं अगले 5 दिन के दौरान उत्तरी पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों में शुष्क रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने जो अनुमान जताते हुए कहा है कि कुछ राज्यों में अभी मूसलाधार बारिश के आसार है। 2 से लेकर 5 अक्टूबर के दौरान यहां पर कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं पूरी बिहार समेत पूरे राज्य में 2020 में औसतन से अनुमान से यहां पर 9% अधिक बारिश बार बिहार में हुई है, जबकि देश भर में औसतन बारिश 880.6 mm के मुकाबले 957.6 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। अच्छी बारिश के चलते यहां वर्ष 2014 के बाद दूसरा सबसे अच्छा मानसून इस बार रहा है। वही सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च ने कहा है कि हवा की प्रवाह स्थिति को देखते हुए गुरुवार तक दिल्ली की इक्यूई के मध्यम श्रेणी में रहने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि मानसून की देरी से वापसी और संबंधित स्थिर हवाएं अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में दिल्ली की वायु गुणवत्ता को नकारात्मक रूप में प्रभावित कर सकती है। वहीं झारखंड के अलावा यहां पर पूर्वोत्तर के कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना यहां पर जताई है मौसम विभाग ने। वहीं राजस्थान की बात करें तो लगभग 3 महीने के ठहराव के बाद दक्षिण पश्चिमी मानसून राजस्थान से इसकी वापसी हो गई है। इस बार राज्य में मानसून की बारिश 8% इस बार राजस्थान में जारी रही है, ज्यादा रही है। राजस्थान में मानसून की विदाई का क्रम जारी, इस बार उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। राजस्थान में मानसून पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बीकानेर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर, अमृतसर, बठिंडा के रास्ते मानसून की निकासी हो रही है। अन्य जगहों पर भी मानसून की विदाई का क्रम जारी है। हालांकि इस बार मानसून उम्मीद के मुताबिक पूरी तरह से मेहरबान नहीं हुआ। इसी के साथ सूर्यदेव के तेवर भी लगातार तीखे होते जा रहे हैं। राजधानी जयपुर में शुक्रवार को सुबह तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं गुरुवार को तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं राजस्थान में सबसे अधिक तापमान चूरू जिले का रहा, यहां पर 40.6 डिग्री तापमान रहा। वहीं तिलारी में 39 डिग्री तापमान रहा। वहीं फलौदी में 37 डिग्री तापमान रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 7 दिनों में प्रदेश में सभी जगह पर मौसम शुष्क रहेगा, साथ ही सूर्यदेव के तेवर और तीखे रहेंगे। कहीं भी बारिश का अलर्ट फिलहाल यहां पर जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग केंद्र निदेशक आर एस शर्मा ने बताया कि इस बार राज्य में मानसून ने 24 जून को दस्तक दी थी। सामान्य तौर पर मानसून 18 सितंबर के आसपास राज्य से बिता लेता है, लेकिन इस बार 23 सितंबर को वापस होना शुरू हुआ है, लगभग 10 दिन ज्यादा रुका है। इस दौरान राज्य में सामान्य यहां पर 415 mm से बारिश 8% ज्यादा यानी 450.8 mm बारिश हुई है। पूर्वी राजस्थान में सामान्य की तुलना में 58% में सामान्य, पश्चिमी राजस्थान में 27% बारिश हुई है। राज्य के 33 जिलों में से 1 जिले में बहुत अधिक और 10 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। 16 जिलों में सामान्य बारिश हुई है, जबकि 6 जिले ऐसे हैं जहां पर सामान्य से इस बार कम बारिश हुई है। अलवर, बारा बूंदी और टोंक और झुंझुनू, धौलपुर में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं जोधपुर जिले में सामान्य से बहुत अधिक यानी 60% ज्यादा बारिश इस बार हुई है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में